मॉर्निंग एवरीवन, आई एम जूई, टीचर ऑफ आदर्श श्रेणी के दिन स्कूल। आई एम हेयर टू टीच यू ईवीएस। फिफ्थ क्लास ईवीएस में हम थर्ड चैप्टर की रिवीजन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की रिवीजन की वीडियो मैं करवा चुकी हूँ, आपके यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ का मतलब है कि पानी में रहने वाले जो जीव जंतु, प्लांट्स जो भी हैं, इन सब की लाइफ कैसी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो प्लांट्स जो हैं आपके पानी में, उसके पहले प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर, मतलब पानी के नीचे जो सॉइल है वहाँ पे जाके उनका रूट होता है, और कुछ आपके प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और उसके जो रूट जो है पानी के ऊपर तलहटी पे नीचे तक की तरफ होती है, और जो उसके जो लीव्स के पार्ट्स हैं उनके जो बाहर की तरफ होते हैं, पानी के बाहर की तरफ, ठीक है। तो कौन कौन से, डकवीड जो प्लांट है वो टाइनी प्लांट, छोटा सा प्लांट होता है डकवीड, आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये डकवीड प्लांट है, ठीक है। इसका डिस्क शेप्ड है, ठीक है। वन रूट विच, उसके एक ही रूट होता है, ठीक है, विच डेंगल्स इन वाटर एंड टाइनी वाटर फ्लावर्स, ठीक है। उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और ये फ्लोट करता है पानी के ऊपर ही, ठीक है। ये एक मैंने भी बताया था ना कि कुछ के कुछ प्लांट्स जो हैं आपके पानी में जो रहते हैं, जिसके पानी के नीचे जो सॉइल है उसके अंदर जड़ रहता है, उसका रूट रहता है, और कुछ तो फ्लोट करते हैं, तो ये इसका जो है फ्लोट करता है। तो नेक्स्ट है आपका वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ बिल्कुल डकवीड की तरह है, पर उसका शेप जो है, उसके जो पत्ते जो हैं उस चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है। उसमें भी छोटे फ्लावर्स होते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से। फिर वाटर लिली है, वाटर लिली के भी देखो, वाटर लिली के जो वो रूट्स होते हैं, जो उसके लीव्स के रूट्स गए हैं, वाटर लिली के रूट्स गए, वो बिल्कुल पानी के नीचे जो सॉइल है उससे अटैच है। एक हाइड्रेला जो है वो पानी के अंदर ही रहता है, हाइड्रेला जो प्लांट है पानी के अंदर ही रहता है, ठीक है। मतलब पानी के बाहर नहीं, प्लांट जो है वो वाटर के अंदर ही, कुछ प्लांट्स होते हैं ना वो वाटर के अंदर रहते हैं, वो वाले प्लांट्स हैं। हाइड्रेला है, एक हो गया आपका टैप ग्रास हो गया, ये भी पानी के अंदर होते हैं। आपको इन चीज़ों की हर चीज़ें आपको लर्न करनी होगी। डकवीड के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रेला के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, टैप ग्रास के बारे में भी आ सकता है। तो इन सबको अच्छे से आपको रीड करना है, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा चीज़ मतलब क्या है, ठीक है। तो कौन सा प्लांट पानी के अंदर होता है, और कौन सा प्लांट जो है पानी के ऊपर रहता है, तैरता है, फ्लोट करता है। नेक्स्ट आपका एनिमल्स इन वाटर। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी के बाहर रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि पानी के आसपास एरिया जो है किनारे में रहते हैं। तो हम उसकी बात करते हैं जो पानी में रहते हैं वो। देखो वाटर फ्ली जो है, आप देख सकते हो जेली की तरह दिखता है ये वाटर फ्ली। इसके जो मैग्नीफाइंग ग्लास हैं वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से वो देखते हैं ये जो वाटर फ्ली है, ठीक है। वो किस पे फीड, इट फीड्स ऑन टाइनी ग्रास प्लांट्स कॉल्ड एल्गी, ठीक है। एल्गी पे फीड्स करते हैं ये, ठीक है। पॉन्ड एंड लेक वाटर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ वाटर फ्लीज, ठीक है। पॉन्ड और लेक में बहुत सारे आपको वाटर फ्ली देखने को मिलेंगे। मैनी पॉन्ड एनिमल्स फीड ऑन देम, जितने भी आपके पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो ये जो है वाटर फ्ली को खाते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ फिश आर पॉन्ड इन पॉन्ड, आप देख सकते हो अलग तरीके से, अलग डिज़ाइन के भी, कलर के भी फिश जो हैं पॉन्ड में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है आपका ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई आप देख सकते हो इस तरीके से ड्रैगन फ्लाई का स्ट्रक्चर होता है, उसका जो विंग ये जो आपके इसमें देख सकते हो, ड्रैगन फ्लाई के जो पंख हैं वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इस तरीके से ट्रांसपेरेंट है, और पीछे से लंबी सी इसकी पूछ की तरह गई हुई है, और सामने में जो उसके हाथ पैर जो पतले पतले से एकदम से गए हुए हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई जो है ज़्यादातर आपको ये पॉन्ड और लेक के आसपास ही मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ये पकड़ के खा जाते हैं, ये ऐसे ड्रैगन फ्लाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाटर स्नेल। वाटर स्नेल ये जो है आपके पानी में भी रहते हैं, पानी के आसपास रहते हैं, ठीक है। वाटर प्लांट्स को पे ज़्यादातर ये देखने को मिलेंगे आपको, वाटर प्लांट्स पे ये रहते हैं। ग्रेट डाइविंग बीटल जो है, इसके जो हिंड लेग होते हैं और पीछे की तरफ होते हैं, इट ट्रैप्स एयर अंडर इट्स विंग, क्या करते हैं वो अपने विंग्स में वो एयर लेते हैं। इट फीड्स वाटर इंसेक्ट, वाटर इंसेक्ट
इसको खाते हैं, पॉन्ड स्नेल्स, टेडपोल्स, ये सब जो है ये इसको ग्रेट डाइविंग बीटल को खाते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रॉग एंड टॉट्स। फ्रॉग एंड टॉट्स, टॉट्स उनके बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं वो होते उसको बोलते हैं, तो आर कॉमनली फाउंड इन द अराउंड पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स के आसपास आपको मिल जाएंगे। व्हेन अ फ्रॉग इज अलार्म्ड, जब फ्रॉग अलार्म्ड इट प्लग्स इन टू द वाटर, फिर जब कुछ अलार्म बजता है तो वो कुछ हरकतें होती तो वो पानी के अंदर चला जाता है। तो फिर फ्रॉग के जो हैं इट हैज़ वेब्ड फीट एंड स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स, पीछे वाले जो लेग हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे से होते हैं, और स्विमिंग उनके जो बने हुए इस तरीके से होते हैं जैसे स्विमिंग की तरह वो आराम से तैर सकते हैं। तो इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स वगैरह, स्लग्स वगैरह, ये इंसेक्ट्स खाते हैं। वाटरफॉल एंड किंगफिशर कैन बी सीन नियर, आपको ये जो हैं आपके वाटरफॉल और किंगफिशर आपको नदी के किनारे मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपको मॉस्किटोज़ एंड मलेरिया। मॉस्किटोज़ एंड मलेरिया, मॉस्किटो फीमेल मच्छर जो है उसके काटने से ये जो हमें मलेरिया होता है, जो फीमेल मच्छर है उसको क्या बोलते हैं, एनोफिल्स बोलते हैं, उसके काटने से ही ये जो है बीमारी होती है। इस मलेरिया से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मलेरिया देखो मलेरिया कैसे होता है, ये फीमेल मच्छर कहाँ से आते हैं, कहाँ से पनपते हैं, तो ये पानी से ही होता है। जब ज़्यादा बारिश होती है, बारिश के कारण कहाँ कुछ कुछ एरिया में, कुछ कुछ गड्ढों में, कहीं कहीं कुछ पॉट वगैरह में, खाली पॉट में पानी जब जम जाता है वो बहुत दिनों का पानी हो जाता है, अब गंदा हो जाता है, वहाँ पे मच्छर पनपने लग जाते हैं, तो इसी से वो बीमारियाँ फैलती भी हैं। तो हमें उस पानी को हटा देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, उस एरिया को ड्राई कर देना चाहिए, जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पर क्या कर देना चाहिए, छोटे छोटे कंकर्स डाल देना चाहिए जिसमें पानी उसमें फिल ही ना हो, ठीक है। और हमें रेगुलर अपने कूलर को भी वॉश कर, मतलब रेगुलर नहीं, जैसे हफ्तों में दो बार तीन बार तो कूलर को क्लीन करना चाहिए, जिससे उसमें भी मच्छर ना पनपे, और केरोसिन ऑयल डाल देना चाहिए या तो पेट्रोल भी डाल सकते हो उसमें, ठीक है, उससे भी मच्छर नहीं पनपते हैं। जब आपको मलेरिया वगैरह होता है मॉस्किटो बाइट करने से, तो हमें कौन सा टैबलेट लेना चाहिए, तो क्लोरोक्विन टैबलेट है जो इजीली अवेलेबल होता है, मलेरिया के लिए ट्रीट किया जाता है ये क्लोरोक्विन, ठीक है, ये टैबलेट प्रिवेंट किया जाता है, तो ये टैबलेट हमें लेना चाहिए। अब वैसे भी डॉक्टर से दिखा के ही ये प्रिस्क्रिप्शन जो है हमें लेना चाहिए मेडिसिन के, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स है, एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स आर पॉपुलर सी फूड, ये सारे जितने भी हैं ये आपके सी फूड हैं। वाटर प्लांट्स कीप द वाटर क्लीन, वाटर प्लांट्स जो है पानी को क्या करते हैं, क्लीन रखते हैं, फ्रेश रखते हैं। वैसे भी नॉर्मली जो प्लांट है हमें ऑक्सीजन देता है, तो वैसे वाटर प्लांट जो है क्या करते हैं, जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी वो ऑक्सीजन का काम करते हैं, मतलब उनको भी ऑक्सीजन देती है, फ्रेश क्लीन ऑक्सीजन, और वाटर को भी क्लीन करते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई फ्लाइज नियर पॉन्ड्स और लेक्स एंड कैचेस फ्लाइंग इंसेक्ट्स, क्या ये जो हैं क्या कैच करते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स को कैच करते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर प्लांट, इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो वाटर प्लांट नहीं है, रोज जो है वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ वेब फीट दैट हेल्प टू स्विंग, किसके वेब फीट होते हैं स्विंग करने के लिए, वो फ्रॉग के होते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन करते हैं, वाटर प्लांट्स आर हार्मफुल, वाटर प्लांट्स हार्मफुल नहीं होते, वो अच्छे होते हैं, तो सही होते हैं क्योंकि वाटर को क्लीन करते हैं, हम फ्रेश रखते हैं, तो क्रॉस होना चाहिए, ये हार्मफुल नहीं होते। टैप ग्रास ग्रोस कम्प्लीटली इन वाटर, टैप ग्रास जो है पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं, तो राइट है। वेरी शॉर्ट आंसर करते हैं, विच टैबलेट्स आर अवेलेबल टू ट्रीट मलेरिया के लिए, कौन से टैबलेट अवेलेबल है, क्लोरोक्विन। इन विच सीज़न मॉस्किटोज ग्रो रैपिडली, कौन से सीज़न में जो मॉस्किटो है वो जल्दी तेज़ी मात्रा में बढ़ते हैं, वो रेनी सीज़न में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके हैं, व्हाट डज अ ड्रैगन फ्लाई कैच नियर वाटर, ड्रैगन फ्लाई कैच इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाइज, ठीक है। नेम फोर वाटर प्लांट्स को नाम बताने हैं आपको, डगबीड, वाटरफ्लाई, वाटर लिली, हाइड्रिला या वाटर हाइसेंथ। हाउ आर द वाटर प्लांट्स गुड फॉर वाटर, वाटर प्लांट्स जो है वो कैसे गुड पानी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो जितने भी प्लांट जितने भी वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा जो छोड़े हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो जो प्लांट है अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपने में, और ऑक्सीजन जो है छोड़ देते हैं, और पानी को क्या करते हैं वो क्लीन करते हैं।
नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट मलेरिया के लिए, अभी स्टेप मैंने बताया था क्या क्या करना चाहिए, जो आपके गड्ढे वगैरह हैं उस जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर मतलब जहाँ पानी जम जाते हैं वहाँ पे क्या कर देना चाहिए, उसको ड्राई कर देना चाहिए, वहाँ से पानी हटा देना चाहिए, सूखा रखना चाहिए, उस पर मिट्टी डाल देना चाहिए या गड्ढे जगह हो या तो उस पर हमें कंकर वगैरह पत्थर वगैरह डाल देना चाहिए जिसमें वो गड्ढा ही ना रहे और पानी जमे ही ना, ठीक है। और क्या करना चाहिए, हमें केरोसिन ऑयल को भी यूज़ करना चाहिए, जिस उस एरिया में केरोसिन ऑयल लगाने से क्या होता है कि मच्छर जो है नहीं पनपते, ठीक है। चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है आपको। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।